नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ डोमेन्स की हेल्प से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को स्टडी किया। अब इस लेक्चर में हम देखते हैं कि अगर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन जीरो होगा, और जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे तो डिफरेंट डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने लगेंगी और मटेरियल एक रिजल्टेंट मैग्नेटाइजेशन शो करने लगेगा। एक सर्टन मैग्नेटिक फील्ड पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू सैचुरेटेड हो जाएगी। इसका मतलब है उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो चुकी हैं, और उसके बाद हम चाहें मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करें बट मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगा। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं तब मैग्नेटाइजेशन कर्व सेम पाथ को फॉलो न करते हुए इस पाथ को फॉलो करती है और जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी कुछ मैग्नेटाइजेशन शो करती है। अब यह मैग्नेटाइजेशन जो जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी एग्जिस्ट करता है इसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। इसके और नाम भी हैं जैसे रेसिड्यूअल और रेमिनेंट मैग्नेटाइजेशन। इस मैग्नेटाइजेशन को हम रिटेंटिविटी भी बोलते हैं। अब अगर हमें इस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करना है तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करनी होगी, और वह फील्ड जिस फील्ड पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू फिर से जीरो हो जाए उस फील्ड को बोलते हैं कोरेसिव फील्ड। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को इसी डायरेक्शन में और बढ़ाते हैं तो मैग्नेटाइजेशन रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ने लगता है और एक सर्टन मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर से मैग्नेटाइजेशन का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करते हैं तो ये पाथ फॉलो होता है और जीरो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर से एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन बच जाता है। उस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए हमें फिर से एक मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ती है और एक कोरिसिव फील्ड पर फिर से मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाता है और फील्ड को उसी डायरेक्शन में बढ़ाने पर मैग्नेटाइजेशन फिर से इंक्रीज होने लगता है और एक सर्टन मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटाइजेशन सैचुरेशन वैल्यू को गेन कर लेता है और एक इस तरह से कर्व फॉर्म होती है। इस कर्व को हम हिस्टेरेसिस कर्व कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात और ये है कि जब हम एक फ्रेश फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे थे तो एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जिसे हमने HI से डिनोट किया है और उस पर मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू MI है, तो इस क्रिटिकल फील्ड तक मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस रिवर्सिबल थी। मींस अगर हम इस क्रिटिकल फील्ड से कम फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस फील्ड के लिए कुछ मैग्नेटाइजेशन होगा और फील्ड को रिमूव करने पर मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर अप्लाइड फील्ड की वैल्यू क्रिटिकल फील्ड HI से ज्यादा है तब फील्ड को रिमूव करने पर कुछ स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन रह जाएगा। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है और वो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स DM अपॉन DH इज इक्वल टू JM, क्योंकि यहाँ पर M और H में एक लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, तो इसलिए JM को निकालने के लिए हमें कर्व को H के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर मैग्नेटाइजेशन जल्दी से हो रहा है उस पार्ट के लिए DM अपॉन DH ज्यादा होगा, क्योंकि DM अपॉन DH किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करती है, और हिस्टेरेसिस कर्व का वो पोर्शन जहां पर DM अपॉन DH की वैल्यू कम है, मींस ये पोर्शन, तो इस पोर्शन के लिए डीमैग्नेटाइजेशन होना मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि वो एप्लीकेशंस जहां पर हमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन फास्ट रेट से करना है तो उन एप्लीकेशंस के लिए हम जो मटेरियल यूज करेंगे उनका JM या मैग्नेटिक परमेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो मटेरियल जहां हम डीमैग्नेटाइजेशन को जल्दी से नहीं करना चाहते हैं, मींस हम एक स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन को चाहते हैं, तो उन मटेरियल्स के लिए JM या मैग्नेटिक परमेबिलिटी की वैल्यू कम होनी चाहिए। इसलिए परमानेंट मैग्नेट के लिए JM की वैल्यू कम होनी चाहिए और सॉफ्ट मैग्नेट के लिए JM की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। परमानेंट मैग्नेट और सॉफ्ट मैग्नेट को हम बाद में डिटेल में करेंगे। अब जिस तरह से फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए यह हिस्टेरेसिस एरिया लॉस को रिप्रेजेंट करता था,
उसी तरह यहाँ पर भी यह एरिया लॉस को रिप्रेजेंट करता है और यह लॉस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो एक सेकंड में ज्यादा बार यह एरिया ट्रेस होगा। यह जो हिस्टेरेसिस कर्व है यह M और H के बीच में है और M जो होता है वो है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया जो लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अगर हम हिस्टेरेसिस लॉस पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो वह इक्वल टू होगा ईटा इंटू बी मैक्स रेज टू पावर 1.6 इंटू में फ्रीक्वेंसी। यहाँ बी मैक्स वह मैग्नेटिक फील्ड है जिसके लिए मटेरियल सेचुरेशन के पॉइंट तक पहुंच जाता है। अगर हमें किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टोटल हिस्टेरेसिस लॉस कैलकुलेट करना है तो हम इस क्वांटिटी को मटेरियल के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह ध्यान रखना है कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का टोटल डाइलेक्ट्रिक लॉस उसके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रिक मटेरियल्स की तरह मैग्नेटिक मटेरियल में भी फेरोमैग्नेटिक के केस में क्यूरी टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर भी हम M इज इक्वल टू C अपॉन टी माइनस थीटा इंटू H लिख सकते हैं। तो जाइएम की वैल्यू C अपॉन टी माइनस थीटा हो जाएगी। यहाँ पर C क्यूरी कॉन्स्टेंट है और थीटा क्यूरी टेम्परेचर है और जाइएम का यह एक्सप्रेशन टी ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर के लिए वैलिड है। और उसे प्लॉट करने के लिए हम क्यूरी टेम्परेचर को मार्क कर लेते हैं और क्यूरी टेम्परेचर के बाद यह एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कर्व होगी और क्यूरी टेम्परेचर के बाद टेम्परेचर के बढ़ने से मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी रैपिडली डिक्रीज होगी और क्यूरी टेम्परेचर से पहले जाइएम के डिक्रीज होने का रेट कम होगा। हमें यह भी ध्यान रखना है कि कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यूरी टेम्परेचर तक ही फेरोमैग्नेटिज्म शो करेगा। क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होने पर वह मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिफरेंस बिल्कुल सिंपल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में हिस्टेरेसिस कर्व बनती है, मींस स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन होता है, और पैरामैग्नेटिक के केस में स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जीरो होता है और कोई हिस्टेरेसिस कर्व नहीं बनती, मींस हिस्टेरेसिस एरिया जीरो होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को फिनिश करते हैं। अब अगला मैग्नेटिक मटेरियल है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। सिमिलरली इसमें भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह डोमेन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इन मटेरियल के केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर जो डिफरेंट डोमेन्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की बजाय एंटी पैरेलल अलाइन होने लगती हैं और जो एंटी पैरेलल डोमेन्स हैं उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इक्वल होता है, जिससे कि एंटी पैरेलल होने के कारण नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करने के बावजूद भी जीरो रहता है। जनरली बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये मटेरियल मैग्नेटाइजेशन शो कर सकते हैं और इसीलिए इनकी ससेप्टिबिलिटी भी स्मॉल होती है लेकिन ग्रेटर देन जीरो होती है। बट अगर हम जीरो केल्विन पर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं तो जीरो केल्विन पर ससेप्टिबिलिटी जीरो होती है। सेकेंडली इनका M और H में रिलेशन M इज इक्वल टू C अपॉन T प्लस थीटा N इंटू H से ड्राइव किया जाता है, जिससे कि जाइएम की वैल्यू C अपॉन T प्लस थीटा N हो जाती है। यहाँ पर C तो वही क्यूरी कॉन्स्टेंट है लेकिन थीटा N को नील टेम्परेचर बोलते हैं और कोई मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर केवल नील टेम्परेचर तक ही शो करेगा। नील टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर होने पर उसका बिहेवियर पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ थीटा N की वैल्यू एन पी बी स्क्वेयर म्यू नॉट अपॉन के इंटू गामा होती है और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के केस में गामा जो कि एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट होता है वह नेगेटिव होता है और यही कारण है कि यहाँ जाइएम के एक्सप्रेशन में टी माइनस थीटा होने की बजाय टी प्लस थीटा है, क्योंकि गामा के नेगेटिव होने की वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर हम ई इंटरनल की तरह यहाँ पर भी एच इंटरनल का फॉर्मूला लिखें तो हम लिख सकते हैं एच इंटरनल इज इक्वल टू एच एक्सटर्नल प्लस गामा एम। और क्योंकि फॉर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स गामा इज ऑलवेज नेगेटिव, दैट्स व्हाई एच इंटरनल इज ऑलवेज लेस देन एच एक्सटर्नल। अब अगला मटेरियल है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। इस मटेरियल में भी डोमेन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करेगा और एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर डोमेन्स एंटी पैरेलल अलाइन होने लगेंगी। लेकिन यहाँ मेन डिफरेंस यह है कि यहाँ पर एंटी पैरेलल होने वाली डोमेन्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अनइक्वल होगा, जैसा कि
इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो अनइक्वल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होने के कारण इन मटेरियल्स में भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर मैग्नेटाइजेशन होगा, बट फेरोमैग्नेटिक के कंपैरिजन में कम होगा, और ये मटेरियल भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तरह स्पोंटेनियस मैग्नेटाइजेशन को कैरी करेंगे, बट इनका स्पोंटेनियस मैग्नेटाइजेशन फेरोमैग्नेटिक के मुकाबले कम होगा। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम फेराइट्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स फिनिश होते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल, और इसके एग्जांपल्स हैं डायमंड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर एंड क्वार्ट्ज। सेकंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और इसके एग्जांपल्स हैं MnSO4, NiSO4, FeSO4, FeCl2, Fe2O3, Cr2O3। फिर है फेरोमैग्नेटिक, और एग्जांपल्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, गोडोलिनियम एंड डाइस्पोजियम। फिर है एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल, और एग्जांपल्स हैं हेमेटाइट, क्रोमियम, आयरन मैग्नीज एंड निकिल ऑक्साइड। लास्ट में है फेरी मैग्नेटिक, और इसका एग्जांपल है YIG मींस इत्रियम आयरन गार्नेट, और दूसरे एग्जांपल्स हैं फेराइट्स PbFe12O19, बेरियम FeTwelO19। तो दोस्तों, अगले लेक्चर में हम सॉफ्ट मैग्नेट और हार्ड मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।